ओके तो गाइस स्वागत आप सभी को मेरे माइनक्राफ्ट सर्वाइवल सीरीज के एपिसोड नंबर 7 में। और भाई आपको तो पता ही है बहुत ही ज्यादा अच्छी मतलब अच्छा लग रहा है मेरे को बोलने में भैया। कुछ दिनों के अंदर भाई 1.18 का अपडेट आ जाएगा, जो पार्ट 2 का अपडेट है ना वो आ जाएगा। तो इसीलिए मैं इस 1.17 के अंदर ये जो सर्वाइवल सीरीज है ना इसको बनाना नहीं चाहता था, क्योंकि आपको भी बताया कि 1.18 के आने के बाद सब कुछ थोड़ा सा चेंजेस आपको देखने को मिलेगा, जैसे कि बायोम हो गया और फिर पहाड़ जो हिल्स होते हैं ना वो हो गया, वो मतलब हर एक जगह जो है वो एम्पलीफाइड जैसे कि हो जाए। तो इसलिए मैं इसे एक्सप्लोर नहीं करना चाहता था, बट खैर कोई दिक्कत की बात नहीं है, जब 1.18 आ जाएगा तब हम लोग और भी ज्यादा एक्सप्लोर करेंगे, ठीक है। खैर तो कोई दिक्कत की बात नहीं है गाइस। तो पिछले एपिसोड में मैंने बना लिया था एक विलेजर ब्रीडर को, क्योंकि मेरे पास तब उसके पहले मेरे पास विलेजर था ही नहीं, क्योंकि इस विलेज से तो मतलब जो बगल के मतलब सामने जो मेरे पास जो विलेज था उसमें से सारे विलेजर गायब हो गए थे। तो उसके बाद मेरे को जाना पड़ा था बगल के विलेज में, और फिर वहां से मेरे को 4 विलेजर को यहां पे लेके आना पड़ा था। तो उनमें से मैं 2 विलेजर को तो क्रॉप फार्म में यूज कर दिया था, और फिर मेरे पास बचा था 2 विलेजर, तो मैंने उसको उन दोनों को विलेजर ब्रीडर बना दिया, ताकि मैं मेरे पास कभी भी विलेजर की कमी ना हो। तो गाइस अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा तो जरूर देख लेना, नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दिया, ठीक है। तो आज ना मैं सोच रहा हूं क्यों ना एक ट्रेडिंग हॉल को बना लिया जाए, इससे उनसे मैं चीजें भी ट्रेड कर पाऊंगा और खाना पीने का जुगाड़ भी वही से हो जाएगा, और इंचेंटेड बुक भी वहां से मिल जाएगा, ठीक है। वैसे मैं सोच रहा हूँ अभी के लिए छोटा ही सही, बट एक ट्रेडिंग हॉल बना लेना चाहिए मेरे को, और मैं ना उसको यहाँ पे बनाऊंगा, ठीक है। आई गेस यहाँ पे बनाऊंगा तो कोई दिक्कत नहीं होगी, मतलब विलेजर जो है वो जॉब को एक्सेप्ट करने में कोई उनको तकलीफ नहीं होगी, ठीक है। क्योंकि ऐसा होता है कि भाई जहाँ पे आप विलेजर ब्रीडर या फिर कुछ भी आयरन फार्म वगैरह जो बनाते हो ना, अगर आप यहाँ उसके आसपास बनाते हो, मतलब 100 ब्लॉक्स के अंदर आप अगर उसको बनाते हो, कोई भी ट्रेडिंग हॉल वगैरह आप अगर बनाते हो, तो उन फार्म्स में कोई दिक्कत आ जाएगी, या फिर ये भी हो सकता है कि ये जो विलेजर आप मतलब ट्रेडिंग हॉल में जो विलेजर को यूज करने वाले हो वो लोग जॉब को एक्सेप्ट ही नहीं करेंगे। तो आई डोंट थिंक कि ऐसा हो जाएगा। यहां से थोड़ा दूर है विलेजर ब्रीडर और मेरा घर भी थोड़ा सा दूर ही है, बट मैं ना इसको एकदम सिंपल ही रखूंगा, क्योंकि अभी तक मैं नेदर में गया नहीं हूं कि भैया इनको क्योर करके भाई इनसे एक एमरल्ड पे चीजों को ले सकूं, क्योंकि भाई उसके लिए भाई तो नेदर वॉर्ड चाहिए, जिसके वजह से हम लोग पोशन वगैरह बना पाएंगे, तो वो तो अभी है नहीं। ओके तो गाइस मैंने कुछ कमरे बना दिया, ठीक है, और अभी चलो विलेजर को लेके आते हैं यहाँ पे। और मेरे को देखो यहाँ से ना, मेरे को अगर बताऊं तो मेरे को मेंडिंग, अनब्रेकिंग 3, एफिशिएंसी 4 या 5, फॉर्च्यून 3, ये सब चाहिए, ठीक है। देखते हैं अभी उनसे उनको तो नखरे तो झेलना पड़ेगा यार, दुनिया भर की चीजें देना शुरू कर देगा, तो देखते हैं भैया हमें कितनी देर में ये सब चीजों में से एक भी अगर चीज मिल जाए ना, एक भी चीज बोले तो भैया मतलब फॉर्च्यून 3 अगर मिल जाए तो अगर ये मिल जाता तो भैया कसम से बता रहा हूँ बल्ले बल्ले हो जाएंगे हमारे। पर सच्ची में यार ये फार्म ना बहुत एकदम सही से वर्क कर रहा है, देख ही सकते हो आप, बट ये लोग अभी बच्चे हैं, तो मेरे को इनको बड़ा होने तक भाई वेट करना होगा, तभी जाके कुछ हो पाएगा, वरना अभी तो इनसे कुछ ट्रेड तो हम लोग कर नहीं पाएंगे। वैसे आई थिंक मेरे पास कुछ आयरन पड़ा होगा, तो उनसे कुछ रेल बना लेते हैं, ठीक है, बना ले, चाहे कब तक ऐसे धकेल तो पटरी को, फिर उठाओ, फिर धकेलो, फिर उठाओ, फिर बिछाओ और फिर धकेलो, भाई ऐसा कुछ मतलब कब तक करेंगे। तो इससे बेहतर है भैया कुछ रेल को बना ले और देखते हैं उसके बाद क्या होता है। ओके तो मैंने कुछ रेल्स बना लिया, ठीक है, और अभी इनको ले जाने के लिए मुझे कम से कम पापड़ बेलने पड़ेंगे। बट यार ये तो इससे लिंक ही नहीं हो रहा यार, अबे चुटकू यार लिंक हो जाना रे, मैं तेरा बहुत अच्छे से ध्यान रखूंगा। नहीं यार ये चुटकू मेरी बात ही नहीं मानेगा यार, शायद ऐसा भी हो सकता है कि मैं मेरा जो घर पे बेड रखा है ना मैंने, ये बच्चा जो है उससे लिंक हो गया हो यार, ऐसा भी हो सकता है यार, हो सकता है क्योंकि बहुत ही ज्यादा करीब भी है मेरा घर, इसलिए शायद ये उससे लिंक हो गया है। भैया चलो भैया अभी उसको हटा देते हैं, वरना ये लिंक नहीं होगा। अबे यार अभी तो लिंक हो जा, क्या दिक्कत है तेरी जिंदगी में, बोल मैं सॉल्व करता है ना। एक काम करता हूँ उसको यहाँ पे शिफ्ट कर देते हैं, ठीक है, क्या पता ये यहाँ पे कंफर्टेबल ज्यादा रहे। ओके तो गाइस ये बड़ा हो चुका है, ठीक है, तो अभी देख लेते हैं ये बेड से लिंक होता है या नहीं। ये यहाँ पे लिंक हो रहा, ओके देख सकते हो, तो भाई तू जा उस कमरे में, ठीक,
अबे यार ये अब क्या नया आफत टूट पड़ी मेरे मत्थे पे। अबे यार ये यहाँ पे क्यों जॉब को तू क्यों नहीं ले रहा यार? तो वहाँ पे तो फटे से लेके ले लिया तो जॉब को, यहाँ पे तुझे क्या दिक्कत हो रही है? देख भाई तेरे नखरे तो झेल रहा हूँ, अभी चुपचाप जॉब को एक्सेप्ट कर वरना पिटेगा। तो बड़ा शातिर निकला यार, यहाँ पे जॉब को ले रहा है वहाँ पे ले नहीं रहा, ऐसा क्यों भाई? तेरी दिक्कत क्या है तेरी जिंदगी में? बोल मैं सॉल्व करता है ना। नहीं तो ठीक है एक बार लास्ट तरह नखरे झेल लेते हैं। तो देखो अभी मेरे पास ना एक आइडिया है, ठीक है? ठीक यहाँ पे मैं एक रूम बना देता हूँ, तो जैसे कि उसने यहाँ पे चूज करा है तो यहाँ पे वो ज्यादा कंफर्टेबल है, तो यहाँ पे मेरे को एक रूम बना लेते हैं, यहाँ पे हो सकता है कि वो जॉब को एक्सेप्ट कर ले और मेरा काम हो जाए। अबे जा बेटा तू वहाँ पे। ओके तो गाइस मैंने इसको लाइब्रेरियन बना दिया है, ठीक है? साथ में इसको इसके साथ में एक जो रूम बनाया था उसको मैंने थोड़ा सा चौड़ा बना दिया है, बड़ा बना दिया है। चलो अभी इसको ब्लॉक कर देते हैं वरना कहीं ऐसा ना हो कि भाई ये ज़ॉम्बी से पिटते पिटा रहे और भाई ये मर जाए। वैसे अगर ये मर भी जाए ना तो भी मेरे को दुख नहीं होगा, दुख तो बस इस बात का है कि भैया वापस से यहाँ पे एक और विलेजर को लेने जाना होगा, लेके आना होगा भाई, बहुत ही ज्यादा पापड़ बेलना पड़ेगा यार, उसमें दिक्कत है। खैर तो अभी भैया प्लीज प्लीज यार मेरे को फॉर्चून 3 दे दो यार, ताकि मैं जाके डायमंड्स को ले सकूं। अबे यार एक बार करता है तो समझ में आता है, बार बार क्यों नखरे दिखाता है? ओ भाई फायर प्रोटेक्शन क्यों दे रहा है यार? फायर प्रोटेक्शन नहीं फॉर्चून 3 दे दो। भाई साहब 14 एमरल्ड पे भाई 14 एमरल्ड पे मेंडिंग दे रहा है भाई, भाई इतना डिस्काउंट मैंने आज तक नहीं देखा यार। चल सही है भाई, तू सही है यार, तू भगवान है, तू देवता है यार, देवता मानूस है यार। मालूम है तेरे बाप को मैं सिखा, चल भाई कसम से बता रहा हूँ ये भाई बहुत ही सही बंदा है यार, इसको नखरे झेल रहा था तो इसको समझ में आ गए, तो बच्चे बेचारा को भाई बहुत ही ज्यादा नखरे दिखा दिया यार, अब भी इसको डिस्काउंट पे थोड़ा सा डिस्काउंट ही सही, इसको कुछ चीजें दे देते भाई, मेंडिंग दे दिया यार जो मेरे को चाहिए था। वैसे मेंडिंग तो मेरे को चाहिए ही थी और फॉर्चून 3 मिल जाता तो बहुत ही अच्छी बात है। चलो अभी इसको कुछ नहीं कर सकते वरना अपना ट्रेड बदल देगा, ठीक है? चलो भैया मेंडिंग का जुगाड़ तो वैसे भी हो गया, ठीक है? अभी एक और विलेजर को यहाँ पे लेके आते हैं और देखते हैं भाई उस बंदे से हमें क्या मिलता है। बेसिकली मेरे को फॉर्चून 3 चाहिए, पर जाने से पहले यहाँ से थोड़े से शुगर किन को ले लेना चाहिए, ठीक है? क्योंकि मेरे पास पेपर नहीं है और मैं नहीं चाहता कि मेंडिंग वाला जो बंदा है ना वो अपना ट्रेड हटा दे और कुछ बेकार से चीजें दे दे, ठीक है? और ना ही मेरे से मेंडिंग चला जाए, इसलिए मैं ना उससे एक बार ट्रेड कर लूंगा। इससे क्या होगा, इससे वो अपना जो ट्रेड है वो लॉक कर देगा और वो सिर्फ मेरे को मेंडिंग ही देगा। चलो ये तो हो गया, अभी एक और कमरा बनाना होगा यहाँ पे और फिर एक और विलेजर को यहाँ पे लेके आना होगा। ओके तो मैंने यहाँ पे एक और विलेजर को लेके आ गया हूँ। ओके तो भैया मैं यहाँ पे गलत था, यहाँ पे भी रखने से जॉब एक्सेप्ट कर रहे ये लोग, देख सकते हो? तो ठीक है बेटा तू अभी यही पे रहेगा, तू यहाँ पे अगर कम्फर्टेबल है तो तू यहाँ पे ही रहेगा और इसका बेड मैं इसके ठीक पीछे रखूंगा, इससे बेचारा बेड से लिंक तो हो जाएगा बट यार रात में सो नहीं पाएगा। और अभी मेरे को चाहिए एक लैक्टर यार, सच बोलो ना मैं जिंदगी में एक अच्छा डिसीजन लिया यार, वो है शुगर केन के खेत को भाई बना दिया। अब देखो जब चाहे यहाँ पे आओ शुगर केन को तोड़ के यहाँ से ले चलो, वैसे भी ये ऑटोमेटिक नहीं है बट क्या हुआ यार काम तो चल रहा है ना। चल बेटा बहुत मजे कर लिए फ्लचिंग टेबल से, अभी पढ़ाई लिखाई कर। अभी चलो देखते हैं इसे क्या मिलता है। ओके तो गाइस बहुत पापड़ मिलने के बाद आखिरकार मेरे को फॉर्चून 3 मिल चुका है, ठीक है? जो थोड़ा एक्सपेंसिव है बट अभी के लिए अभी जुगाड़ करना होगा 39 एमरल्ड का, तभी हमें फॉर्चून 3 मिल पाएगा। बट सबसे पहले इससे एक बार ट्रेड कर लेते ताकि ये अपना जो ट्रेड है वो बदल ना दे। वैसे बातों में मैंने सोचा कि एक और विलेजर को यहाँ पे लेके आ जाते हैं और उसको भी लकड़ी बेच देते हैं, क्योंकि याद है ना हमें 39 एमरल्ड भी तो चाहिए, जुगाड़ करना होगा। तो गाइस मैं ना एक काम करता हूँ, जल्दी से इनसे ट्रेड करके थोड़ा सा ट्रेड कर लेता हूँ और एमरल्ड को इकट्ठा कर लेता हूँ, ठीक है? उसके बाद आपसे मिलता हूँ, क्योंकि भाई इस प्रोसेस में भाई बहुत ही ज्यादा पापड़ बेलना पड़ेगा और आप बोर हो जाओगे। तो मैं क्या करता हूँ, मैं काम करता हूँ, मैं जल्दी से फटाफट इनसे ट्रेड वगैरह जो भी कह लो वो लोग कर लेते, ठीक है? उसके बाद आपसे मिलता हूँ। ओके तो चलो 40 एमलेट हमें मिल चुका है, ठीक है? एंड भाई हमारे पास फॉर्चून 3 आ चुका है, अभी डायमंड को तोड़ने हम लोग जाएंगे भाई, मजा आ जाएगा डायमंड को तोड़ेंगे ना। अभी जल्दी से एनविल को बना लेते हैं
एंड पिकेक्स पे फॉर्च्यून 3 ऐड करते हैं और फिर चलेंगे माइनिंग पे। मतलब मैंने माइनिंग पहले से कर रखा है, ठीक है। मतलब मैंने जब माइनिंग करा था ना, कोबलस्टोन चाहिए था मेरे को, तो इसलिए मैं थोड़ा सा माइनिंग करा था, तो वहां पे मेरे को बहुत सारे बहुत माइनिंग करा था। उसके बाद मेरे को थोड़े थोड़े टाइम के बाद मेरे को डायमंड मिल चुका था, कभी कहीं पे दो मिला था, कहीं पे चार, कहीं पे पांच, ऐसे ही मिल गया था। तो मैंने उसको तोड़ा नहीं था, मैंने रख दिया था ऐसा सोच के कि भाई जब फॉर्च्यून के पिकेक्स आ जाएगा तब मैं इसको तोड़ूंगा तो ज्यादा मिलेगा। और भैया अभी तो मेरे पास फॉर्च्यून 3 का पिकेक्स है, तो भाई आप सोच सकते हो उसको मैं तोड़ूंगा तो भैया क्या होगा, भाई डायमंड को बौछार हो जाएगा यहाँ पे। तो सबसे पहले चलो आपको कहां कहां मैंने डायमंड को ढूंढ रखा है, ठीक है, वो आपको दिखा देता हूं। ओके, तो यहां पे नीचे आने के बाद यहां से ऐसे आपको हर जगह पर रास्ते दिख जाएंगे, ठीक है। यहां से बहुत दूर जाना होगा माइनिंग करना, माइनिंग किया है बहुत ही ज्यादा दूर, तो यहां से आप अगर सीधा चले जाओगे ना तो इसके एंड में आपको दिख जाएगा थोड़ा सा डायमंड। ये देखो यहां पे चार और है, चलो देखते हैं यहां से हमें कितना मिलता है। ओके, तो गाइस 12 डायमंड, वो भी सिर्फ 4 डायमंड की ओर से। भाई सच में यार, अगर यहाँ पे नॉर्मल पिकेक्स होता ना तो भाई आगे देता यार, 4 ही डायमंड मिलता है यहाँ पे, बट यार फॉर्च्यून 3 है ना भैया, भर भर के मिलेगा भी डायमंड। ओके, तो गाइस यहाँ पे देख सकते हो 5 ओर है, 27 हो गया भाई, फुल डायमंड आर्मर का जुगाड़ अभी हो गया भाई, बट अभी भी हमें डायमंड यहाँ पे खत्म नहीं हुआ है, ठीक है, रुको जरा देखते जाओ, अभी तो बस थोड़े ही डायमंड मिला है, अभी और बाकी है। ओके, तो यहाँ पे कितना है भाई, खैर कोई नहीं, तोड़ दे। 40 भाई, हमें 40 डायमंड मिल चुका है यार, बट अभी भी और बाकी है, देखो देखो आगे होता क्या है। पूरा एक स्टैक हो गया भाई। थोड़ा सा मैं कोल को ले लेता हूँ, क्योंकि ये ना मेरे पास है ही नहीं, ज्यादा नहीं है, ठीक है, इसलिए मेरे को बहुत ही ज्यादा दिक्कत भी हो जाती है कभी कभार, बट चलो कोई ना, अभी ज्यादा मिलेगा क्योंकि फॉर्च्यून 3 पिकेक्स है ना। कितना हो गया भाई, ओके, तो एक स्टैक और 9, चलो ठीक है, और अभी भी थोड़ा सा और बाकी है, ठीक है। बट यार यहाँ पे ना सिल्वर फिश निकल रहा था यार, पत्थर से यहाँ पे निकल रहा था, मतलब ये जो जगह है ना इसके नीचे या ऊपर कह लो यहाँ पे, ठीक, यहाँ पे हो सकता है स्ट्रॉन्ग होल्ड भी होगा, ठीक है, बट यार अभी ना इतनी जल्दी मैं एंटरटेगन को मारने नहीं जाने वाला, ठीक है, वैसे जाऊंगा तो उसे मार के चले आऊंगा, तो कोई दिक्कत की बात नहीं, उसको मारना इतना भी दिक्कत नहीं है, कोई इतना भी मुश्किल नहीं है, ठीक है, बट मैं वेट कर रहा हूँ 1.18 का, जब 1.18 आ जाएगा तभी मैं उसको मारने जाऊंगा, ठीक है, 1.18 आ जाएगा ना तो उसी एक हफ्ते के अंदर मैं उसको मार के चलाऊंगा, क्योंकि चले आऊंगा, ठीक है, क्योंकि भैया 1.18 में हर जगह पे एम्प्लीफाइड हो जाएगा, ठीक है, बहुत ही बड़ा बड़ा हो जाएगा, तो आप पैदल तो तब सफर नहीं कर पाओगे, तो इसलिए बहुत ही अच्छा सही रास्ता होगा आसमान का सफर करना, तो इसलिए भाई उसके लिए हमें चाहिए एलाइट्रा। अबे यार तेरे को मैं तेरे से क्या बात कर रहा हूँ मैं, तो तू उछल उछल के यहाँ पे आ रही है। खैर तो गाइस फॉर्च्यून 3 होने से भाई डायमंड तो बहुत सारा मिल चुका है हमें, और अभी मैं सोच रहा हूँ कि मैं एक आर्मर स्टैंड बना लूँ, उस पे एक फुल डायमंड आर्मर मैं सजावट के लिए रखूंगा और एक फुल डायमंड आर्मर मैं अपने लिए बनाऊंगा ताकि मैं उसको बना सकूं, क्योंकि भैया अभी तो अपने पास डायमंड की कोई कमी होने नहीं वाली है, अगर दोबारा अगर जरूरत पड़े तो चले जाएंगे माइनिंग करने के लिए, फॉर्च्यून 3 है भैया, कोई दिक्कत की बात नहीं है। खैर तो गाइस अभी यहाँ पे मैं अपना पुराना आयरन का जो आर्मर है वो रखूंगा यहाँ पे, इसने बहुत हेल्प करा है भाई, मेरा सबसे पहला आर्मर, इसलिए इसको सल्यूट करना तो बनता है यार थोड़ी देर के लिए। और अभी यहाँ पे रहेगा हमारा डायमंड आर्मर, चलो यार एकदम कड़क लग रहा है यार, और हमारे पहनने के लिए भाई एक और डायमंड का आर्मर बना लेते हैं। ओके, तो सब कुछ हो जाने के बाद भी हमारे पास 23 अभी भी डायमंड बच चुका है यार, चलो कोई नहीं, ये इन फ्यूचर कभी ना कभी तो काम में आ ही जाएगा। तो यार आई थिंक आज के लिए इतना काफी है, ठीक है, हमारे पास डायमंड का फुल आर्मर आ चुका है, मेंडिंग और फॉर्च्यून 3 भी आ चुका है, ठीक है, बट अभी भी हम लोग उतने तगड़े हुए नहीं है जितना मैं सोच रहा था, क्योंकि इसको इंचेंट करना होगा तभी हम लोग जाके और ताकत
ताकतवर हो सकेंगे और पावरफुल बन सकेंगे, ठीक है। बट वो सभी तो इस वीडियो में नहीं हो सकता क्योंकि अभी भी एक्सपी फार्म बनाना होगा, बहुत सारा काम है जो करना होगा। तो चलो वो सब अगले वीडियो में देखेंगे, बट यार कोई दिक्कत की बात नहीं है, जब आएगा तब देखा जाएगा। बट अभी के लिए ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो एक लाइक कर देना, ठीक है। कमेंट करके जरूर बोलना कि आपको वीडियो कैसा लगा, और अगर आप ऐसे वीडियोस देखना चाहते हो तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दो ताकि ऐसे वीडियोस आपको आप मिस ना कर दो, आते ही आपको नोटिफिकेशन मिल जाए, ठीक है। तो चलो कोई दिक्कत की बात नहीं, मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद, वंदे मातरम, बाय।